गोरखपुर लखनऊ हाईवे परकैंड थाना क्षेत्र के बिलंदपुर में सोमवार की रात नशे में धुत सोहदों ने ड्यूटी से लौट रही स्कूटी सवार युवती को रोककर छेड़खानी शुरू कर दी। आरोप है कि हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाने लगा। शोर मचाने पर पहुंचे राहगीरों ने आरोपितों को पकड़ लिया। रास्ते से गुजर रही पीआरवी 319 के सिपाही भीड़ देखकर रुक गए। आरोप है कि पीआरवी के एक सिपाही ने आरोपितों पर कार्रवाई की बजाय महिला से ही अभद्रता शुरू कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। इस संबंध में युवती ने कोतवाली क्षेत्र के जगन्नाथपुर निवासी कार सवार शोहदों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती बिलंदपुर में लखनऊ हाईवे पर स्थित प्राइवेट फर्म के कार्यालय में काम करती है। सोमवार की रात में 8 बजे वह ड्यूटी करके स्कूटी से घर जाने के लिए निकली। ऑफिस के सामने हाईवे पर खड़ी कार में बैठे युवक ने उसे रोक लिया। आरोप है कि कार से नीचे उतरने के बाद छेड़खानी शुरू कर दी और हाथ पकड़कर कार में बैठाने लगा। युवती के शोर मचाने पर रास्ते से गुजर रहे लोगों ने आरोपितों को पकड़ लिया। जानकारी होने पर सहकर्मी भी पहुंच गए। भीड़ देखकर रास्ते से गुजर रही पीआरवी के सिपाही रुक गए। पूछने पर स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी दी, लेकिन पीआरवी के सिपाही मिथिलेश तिवारी ने पीड़ित युवती के साथ ही अभद्रता शुरू कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पीआरवी को घेर लिया। वहीं जानकारी होने पर फोर्स के साथ पहुंचे प्रभारी निरीक्षक कैंट अनिल उपाध्याय ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। कार समेत पकड़े गए शोहदे व पीआरवी सिपाही मिथिलेश तिवारी को थाने ले आए। पूछताछ में आरोपित युवक की पहचान कोतवाली के जगन्नाथपुर निवासी मनीष द्विवेदी के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि युवती की तहरीर पर मनीष के खिलाफ कैंट पुलिस ने छेड़खानी व रास्ता रोकने का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही दुर्व्यवहार करने वाले पीआरवी सिपाही को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, कल शाम को 7 बजे के आसपास कैंट थाना क्षेत्र में एक कंपनी में कार्य करने वाली युवती से एक नशे में धुत युवक द्वारा छेड़छाड़ की बात प्रकाश में आई। इसमें जो आरोपित युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जिस गाड़ी से था उस गाड़ी को भी गिरफ्त में ले लिया गया है और युवती का मेडिकल करा के आरोपित को आज जेल भेजा जा रहा है। युवती ने उसके साथ के कुछ अन्य लोगों को भी संदेह जताया था, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर, इस मामले में सिपाही को सस्पेंड किया गया क्या? इस मामले में एक सूचना भी मिली थी कि पीआरबी वहाँ पे पहुंची थी। पीआरबी में एक सिपाही था, उसने उस पीड़ित युवती और कुछ अन्य पब्लिक के लोगों से मिसबिहेव किया। उसकी जांच मेरे द्वारा की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया सही पाया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी सर द्वारा उसको भी निलंबित किया गया है। सर, कितने लोग उठाया गया है? 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। किस जगह पर हुई थी घटना? ये घटना एक ओम फर्नीचर करके है, पैडलेगंज चौकी 6 से थोड़ा आगे दाहिने तरफ वही क्षेत्र है, वहीं पे हुई थी। मौके से सब लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी जो थी वो भी बरामद कर ली गई है और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।